हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड इस व्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। ये व्लॉग हमारे पिछले व्लॉग से ही कंटिन्यू होगा, जिसमें हमने डे टूर किया था फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी। एंड ये हम अभी शाम को वापस आ रहे थे। हमको वापस आते आते ऑलमोस्ट 6:30-7 का टाइम हो गया था। एंड ये अभी हम शेख जायद रोड पर हैं। ये अभी हम दुबई मरीना वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं। एंड अभी हमारे लेफ्ट साइड में जो है MR का दुबई मरीना मॉल आएगा। या ये लाइटेड वाला मॉल जो है, ये दुबई मरीना मॉल है। एंड जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने दुबई टू अबू धाबी का जो ट्रिप था वो हमने बुक किया था क्लुक के थ्रू। आप क्लुक या अगोड़ा, जिस भी एग्रीगेटर के थ्रू आपको बेटर डील मिल रही है उस आपके ट्रैवल टाइम के अकॉर्डिंग, आप कहीं से बुक कर सकते हैं। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट एंड इजी टू बुक। तो हम अबू धाबी से वापस आकर सीधा अपने होटल, हमको कैब ने ड्रॉप किया। एंड उसके बाद हम रेडी होकर निकल गए बुर्ज खलीफा की तरफ, बिकॉज हमने पहले बुर्ज खलीफा का नाइट शो नहीं देखा था। एंड या एंड बिकॉज मेट्रो स्टेशन जस्ट हमारे होटल के सामने ही था, तो हमने मेट्रो को ही प्रेफर किया इस बार दुबई में ट्रैवल करने के लिए। एंड हमारे फाइनेंशियल सेंटर मेट्रो स्टेशन से जस्ट नेक्स्ट स्टेशन ही बुर्ज खलीफा का था, बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। सो या हमारे लिए मेट्रो ही प्रेफर्ड ऑप्शन था ट्रैवलिंग का। ये अभी हम उस ब्रिज को क्रॉस करके जा रहे हैं जो दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से हमको सीधा दुबई मॉल में एंट्री कराता है। एंड ये ट्रैवलेटर एंड पाथ जो है बहुत ही लंबा है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास का होगा। हमको 10 से 15 मिनट लग गए थे एटलीस्ट, हमको नहीं, आई मीन किसी को भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मेट्रो स्टेशन से मॉल तक जाने के लिए। सो आप अपने कंफर्टेबल शूज़ के साथ रेडी रहना वॉक करने के लिए। एंड मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट हम मॉल में एंटर होते हैं। शायद ये सेकंड फ्लोर था। एंड इसी फ्लोर पर सामने सोनी का स्टोर था। एंड इसी फ्लोर पर ही, जहाँ तक मुझे याद है, फूड कोर्ट भी था। एंड या इट वाज डिनर टाइम, ऑलमोस्ट 9:15 हो चुका था टाइम। तो हम सबसे पहले अपना फूड कोर्ट की तरफ ही गए, बिकॉज हमको बहुत ही भूख लगी थी। हमने शाम से कुछ नहीं खाया था, बिकॉज अबू धाबी से वापस आने के बाद हम फटाफट होटल में गए एंड चेंज किया। एंड हम आ गए यहाँ पर दुबई मॉल। एंड गाइस, एक फन फैक्ट मैं आपको दुबई मॉल के बारे में बता दूं। अगर आप दुबई मॉल में पहले नहीं गए हो तो आपको लिटरली मैप यूज़ करना पड़ेगा एक आउटलेट से दूसरी आउटलेट तक जाने के लिए। आई मीन आप बिल्कुल घूम जाओगे उस मॉल में, इतना बड़ा मॉल है। हमको लिटरली मैप यूज़ करना पड़ा था नेविगेशन टू रीच फूड कोर्ट। एंड ये अभी हम फूड कोर्ट की तरफ ही एंटर हो रहे हैं। सामने हमको फूड कोर्ट का एरिया भी दिख रहा है।
एंड सिंस मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वेजिटेरियन हैं, तो हम अपने लिए वेजिटेरियन ऑप्शंस देख रहे थे। ये राइट साइड में पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग एंड इवन मैकडी वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे, बट हमारा ये सब खाने का मन नहीं था, बिकॉज़ हमने अबू धाबी में भी इतना अच्छा हमको बुफे लंच नहीं मिला था जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। तो लकीली यहाँ पर हमको बीकानेर वाला मिल गया, एंड या बीकानेर वाला की फेमस हमने राज कचौरी एंड दही पापड़ी एंजॉय करी। उसके बाद ऑलमोस्ट 10:15 का टाइम हो गया था, एंड हमने फाउंटेन शो मिस नहीं करना था, तो उसके लिए हम निकल पड़े अपने फाउंटेन शो की तरफ। एंड ये अभी हम पहुंच गए हैं द वाटरफॉल पर। ये भी दुबई मॉल का एक बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क है जहाँ पर बहुत लोग फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक कराते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सेकंड फ्लोर पर हैं, तो हम लोग इसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे एंड अपनी फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक कराएंगे द वाटरफॉल के आगे। एंड यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कराने के बाद टाइम हो गया था हमारे बुर्ज खलीफा के नाइट फाउंटेन शो का, तो हम फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं अपने फाउंटेन शो को अटेंड करने के लिए, जो कि शाम को 6 बजे के बाद हर आधे घंटे में होता है, एंड आई थिंक ये रात के 11 बजे तक होता है। यू कैन चेक द टाइमिंग्स ऑन गूगल, बट आई थिंक इट्स राइट, ये हर आधे घंटे होता है रात के 11 बजे तक। तो अगले 2 से 2.5 मिनट आप पूरा फाउंटेन शो एंजॉय कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो एंजॉय। العالم دبي كوكب، دبي كوكب.
एंड जैसे ही फाउंटेन चौक ख़त्म होता है, वैसे ही जो भीड़ है वहाँ से गायब हो जाती है। सभी मॉल के अंदर चले जाते हैं बिकॉज़ बाहर सभी को गर्मी लग रही होती है। वो जस्ट फाउंटेन लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एंड या ये देखिए क्या मेस्मराइजिंग लगता है बुर्ज खलीफा रात को लाइटिंग के साथ। इसके बाद हम भी एक और यहाँ पर हार्ट शेप का इंस्टाग्राम स्पॉट है जहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक्स आती हैं, तो हम वहाँ पर भी अपनी कुछ पिक्स कराते हैं। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं वापसी अपने होटल के लिए बिकॉज़ ऑलमोस्ट रात के 11 बज गए थे। एंड हम सुबह से अबू धाबी घूम कर आए थे एंड वी वर क्वाइट टायर्ड। एक्चुअली ये चीज़ आपके लिए एक टिप है कि आप जब भी दुबई में ट्रैवल करें तो अपने लिए कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ ज़रूर कैरी करना अपने लगेज में, बिकॉज़ दुबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इवन चाहे आप टैक्सी से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, आपको बहुत वॉक करना पड़ता है। सो या एंड इसी हार्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ आती हैं। एंड इसके बिल्कुल बैकड्रॉप में बुर्ज खलीफा का बहुत ही शानदार खूबसूरत व्यू आता है। एंड या एंड ये हमको कुछ यूट्यूबर्स भी अपने दुबई मॉल में मिले थे, अनास चामिल एंड BS वायरलेस कम्युनिकेशंस से। सो या दिस वॉज अबाउट थर्ड व्लॉग एंड या प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।